हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। एंड स्वागत है आपका हमारे चैनल पे एक बार फिर से। दोस्तों, आज हम टूर करेंगे 165 स्क्वायर यार्ड्स का घर, जिसमें आपको बहुत अच्छी स्पेस के साथ साथ इंटीरियर वर्क भी बहुत अच्छा इस घर में मिल रहा है। और जो लोकेशन है सेक्टर 125 मोहाली की है, एंड पूरी तरह रेजिडेंशियल एरिया है। एंड यहाँ पर वॉकेबल डिस्टेंस पे ही आपको रनिंग मार्केट, स्कूल्स, मंदिर, गुरुद्वारा साहिब, हर तरह की फैसिलिटीज मिल जाएंगी आपके कनेक्टेड एरिया से। तो घर की अगर हम बात करेंगे एलिवेशन की, तो देखिए कितनी सुंदर एलिवेशन आपको इस घर में मिल रही है। तो मेन एंट्रेंस की अगर मैं बात करूं, बड़ा ही प्यारा सा ऑफ वाइट के कंसेप्ट में आपको गेट मिल रहा है। आयरन का हैवी गेट है, जहां पर अगर आप एंटर करते हैं तो पार्किंग आपको यहां पर मिल रही है। देखिए, एक कार आप यहां पर आराम से लगा सकते हैं अपनी, आउटर स्पेस है। एंड इस साइड भी एडिशनल स्पेस आपको मिल रही है इस घर में। देखिए, यहाँ पर मुझे लगता है एक कार यहाँ पर भी आपकी आराम से आप पार्क कर सकते हैं। सो दो कार्स आप आराम से पार्क कीजिए अपने घर में, ठीक है। तो 165 स्क्वायर यार्ड्स के घर में दो तो आपको पार्किंग दी गई है। 4 BHK की अकोमोडेशन है इस घर की। बहुत स्पेशियस रूम्स भी आपको मिलते हैं। सो बात करते हैं, आइए और भी बात करते हैं घर के बारे में। तो यहाँ पर आती है घर की एंट्रेंस। तो एंट्रेंस देखिए वायर मैश डोर के साथ है, तो हाइट अच्छी है डोर की, ठीक है। और साथ में ही आपको मेन डोर भी दिया गया है। तो एंटर कर चुके हैं हम घर में, तो ब्यूटी शुरू हो चुकी है। देखिए कितनी प्यारी वुडन की पैनलिंग, कितनी सुंदर इस घर में चारों तरफ यहाँ पर की गई है। लाइट कितनी सुंदर लग रही है। यहाँ पर देखिए, अगर LED पैनल यहाँ पर हमने दिया है आपको आपके लॉबी एरिया में, तो बड़ा प्यारा लग रहा है। तो पैनलिंग के साथ स्टोरेज भी आपको बहुत अच्छी खासी यहाँ पर दी गई है, ठीक है। रूफ पे भी बड़ा सुंदर सा वर्क आपको मिल रहा है। तो लिविंग एरिया क्या है, देखिए डिजाइनिंग होनी चाहिए, फर्नीचर तो हम अपने टेस्ट का ही लगाएंगे। तो कलर्स जो कंसेप्ट रखा है ड्राइंग रूम के इंटीरियर का, वो इस तरह का रखा है कि किसी तरह का भी कलर का फर्नीचर हो वो पूरा ही तरह आपके साथ ब्लेंड हो जाए आपके लिविंग एरिया के साथ। बड़ी प्यारी पैनलिंग भी है वॉल पे, एंड यहाँ पर बड़ी विंडो है, सो डे लाइट भी आ रही है आपके लिविंग एरिया में। और इतना खुला डुला लिविंग एरिया, देखिए कितनी अच्छी स्पेस है लिविंग एरिया की। तो ये आप यहाँ पर अपना ड्रेस अपना सेटिंग बना सकते हैं। इधर आपका डाइनिंग टेबल आप लगा सकते हैं, 6 सीटर आपका आराम से यहाँ पर आ जाएगा। साथ में ही किचन है आपके लिए, एंड किचन की स्पेस मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए बहुत अच्छी स्पेस किचन में भी आपको मिलेगी, एंड पार्टीशन वर्क बहुत प्यारा लग रहा है किचन का वुडन के साथ। एंड देखिए, ये आपकी एल शेप में किचन है, एंड फुली मॉड्यूलर किचन आपको यहाँ पर मिलेंगी। देखिए स्पेस की अगर हम बात करते हैं ना, तो देखिए हाइड्रोलिक फिटिंग है, बहुत प्यारी स्टोरेज आपको मिलती है। नीचे बड़े ड्रॉर सिस्टम्स हैं, हैंडललेस हैं, ठीक है, जिसमें क्या है कि आपको फुली मॉड्यूलर किचन के साथ साथ स्पेस भी अच्छी मिल जाती है। तो यहाँ पर वॉशिंग एरिया आपका बिल्कुल सेपरेट है, ऊपर बड़ी विंडो है, देखिए एग्जॉस्ट भी आप लगा सकते हैं, फिटिंग्स किचन में पूरी आपको मिलती है। तो अब मैं आपको बताती हूँ, आपको पूजा स्पेस भी मिल रहा है। तो बिल्कुल किचन के साथ ही हमने बड़ी ही अच्छी स्पेस आपके लिए निकाली, आप खुद ही देख सकते हैं पूजा रूम के लिए कितना प्यारा आपको यहाँ पर एक जगह मिल रही है, जहाँ पर आप अपनी मेडिटेशन कर सकते हैं। नीचे देखिए, अब जिस तरह की भी पैनलिंग आप लगाना चाहते हैं, जो भी डिजाइन आप चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो पूरी तरह अच्छी स्पेस हमने दी है, तो आप आराम से इस चीज को डिजाइन कर सकें। तो यहाँ पर 2 बेडरूम्स आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर बड़ा ही सुंदर सा वर्क आउट करते। तो फर्स्ट बेडरूम में एंटर करते हैं, और डोर की जो विड्थ है काफी अच्छी है एंट्रेंस रूम की। और देखिए फर्स्ट बेडरूम कितना सुंदर है, स्पेस तो अच्छी है ही दोस्तों, वॉलपेपर इतना सुंदर है, देखिए रूफ पे इतना प्यारा सा वर्क है, एंड डिजाइनिंग देखिए क्या बात है डिजाइनिंग की। एंड इस साइड कबर्ड्स हैं आपके, देखिए तो बहुत ही प्यारे से कबर्ड्स हैं। स्लाइडिंग के कंसेप्ट में आपको रूफ मिलेंगे आपको, जो कि डबल लैमिनेटेड वर्क के साथ है। उस साइड LED पैनल है आपका विद अगेन अच्छी खासी स्टोरेज दोस्तों। एंड देखिए रूम में बड़ी विंडो होना तो बहुत मजा आएगा आपको, बिकॉज वेंटिलेशन पूरी बनी रहती है चारों तरफ से, आपका जो घर है वो पॉजिटिविटी से भरा रहता है, ठीक है। तो वो चीज़ मिलती है इस बेडरूम्स में, क्योंकि अटैच वॉशरूम यहाँ पर है। अगेन स्पेस तो अच्छी है देखिए वॉशरूम्स की भी, एंड टाइल वर्क तो रूफ तक आपको हम दे रहे हैं, एंड डुअल टाइल शेड्स आपको हमने दिए हैं, यहाँ पर बड़ी विंडो दी है। फिटिंग्स हमने बहुत अच्छी आपको ब्रांडेड देनी है पोजेशन के टाइम पर, तो जो एक वॉशरूम की लुक है वो एक नेक्स्ट लेवल हम आपको देने वाले हैं इस घर में।
तो देखिए घर तो बहुत प्यारा लग रहा है पर्सनली भी मेरे को, कि स्पेस बहुत अच्छी है, 165 स्क्वायर यार्ड में बड़ी अच्छी स्पेस निकाली गई है। तो इसी के साथ अब मैं आपको दिखाती हूँ सेकंड बेडरूम। आइए, सेकंड बेडरूम की भी स्पेस क्या बात है, किंग साइज जो मेन किंग साइज बेड होता है वो आराम से आपका लग गया साइड टेबल्स के साथ। और यहाँ पर वॉल रस्टिक पैटर्न हमने दिए हैं, ये भी बड़े आजकल ट्रेंड में है, तो ये चीज आपको इस वॉल पे मिल रही है। अदरवाइज आप चाहें तो आपका ही घर है दोस्तों, कुछ चेंजेस करवा सकते हैं फ्यूचर में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एंड ये कबर्ड्स हैं इस साइड, अगेन अप टू रूफ है, ड्रेसिंग एरिया साथ में आपको मिल रहा है, एंड ये एलईडी पैनल आपको मिल रहा है यहाँ, ठीक है। और एलईडी पैनल में भी बड़ी प्यारा सा वुडन के साथ वर्क आपको दिखाई देगा इस घर में। अटैच वॉशरूम यहाँ पर रहेगा, एंड यहाँ पर अगर आप डोर देख रहे हैं, ये आपका यूटिलिटी स्पेस का एक्सेस डोर है, आप पीछे अपना यूटिलिटी स्पेस एक्सेस कर सकते हैं इस बेडरूम से। तो फ्रेंड देखिए ये फर्स्ट फ्लोर की एंट्रेंस है, यहाँ पर भी आपको वायर मैश डोर और वुडन का डोर की एंट्रेंस मिलने वाली है। एंड लिविंग एरिया की क्या ही बात मैं करूँ, स्पेस के साथ साथ ये डिजाइनिंग तो आप देखिए एक बार, क्या मजेदार डिजाइनिंग दी है यहाँ पर। ये टाइल वर्क है बड़ा ही सुंदर सा, पैनलिंग के साथ बहुत प्यारी एक वॉल यहाँ पर क्रिएट की गई है चीजों से। और स्पेस के साथ अगर मैं देखूँ तो बहुत अच्छी स्पेस भी आपको मिल रही है, बड़ी विंडो मिल रही है, रूफ पे इतना सुंदर सा वर्क मिल रहा है। तो आप खुद यहाँ पर इमेजिन कीजिए जब आपके यहाँ पर फर्नीचर एड्स होंगे तो क्या लुक निकल कर आएगी इस लिविंग एरिया की। एलईडी पैनल सामने ही है, बड़ा सा यूनिट भी लगा होगा आपका, तो बहुत मजा आपको आ जाएगा यहाँ पर, बिकॉज एलईडी पैनल को जस्ट नॉर्मल नहीं छोड़ा गया, डिजाइन दिए गए हैं ब्लॉक के साथ, लाइटनिंग एड की हुई है। तो ये लिविंग एरिया है, एंड यहाँ पर किचन आ जाएगी आपकी। जो ग्राउंड फ्लोर का लेआउट है वो बिल्कुल सेम आप देख ही रहे होंगे, ठीक है। किचन के साथ देखिए आपको एडजॉइन मिल रहा है आपका पूजा स्पेस, तो नीचे पूजा स्पेस था, आप इसको स्टोर रूम में कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ पे पार्टीशन करके, अदरवाइज डोर आप यहाँ पर बना सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू गाइस। तो यहाँ पर आपका थर्ड बेडरूम आ जाता है, तो थर्ड बेडरूम में देखिए क्या बात है स्पेस की, तो बहुत ही मजेदार मुझे लगा तीनों ही बेडरूम अभी हमने देखे हैं, तीनों में स्पेस बहुत अच्छी आपको मिल रही है। वॉलपेपर इतने सुंदर सुंदर आपको लगाकर हम आपको ऑलरेडी दे रहे हैं। कबर्ड तो बड़े ही हमने एक सटल से कलर्स रखे हैं जो हर चीज के साथ चले जाते हैं बड़े खुशी खुशी, तो कोई भी आपका यहाँ पर डिजाइनिंग हो बड़ा सुंदर लगेगा आपका पूरा बेडरूम रूफ पे, इतना सुंदर वर्क है। इस साइड एलईडी पैनल आ गया आपका, अगेन बहुत सुंदर वुडन के साथ बनाया गया है। एंड यहाँ पर देखिए बड़ी विंडो आपको मिली, तो इस साइड अटैच वॉशरूम आपका रहेगा विद ऑल द ब्रांडेड फिटिंग्स। दोस्तों बाबा जी होम्स के साथ कॉन्टेक्ट करना बिल्कुल भी मत भूलना इस प्रॉपर्टी के बारे में। तो फोर्थ बेडरूम में एंटर कर रहे हैं दोस्तों हम, बिल्कुल एडजॉइन फोर्थ बेडरूम, एंड अगेन बहुत अच्छी स्पेस आपको फोर्थ बेडरूम में भी मिलती है। सो कहने का मतलब ये होगा चारों के चारों बेडरूम में आपको बहुत अच्छी स्पेस के साथ साथ बड़ा सुंदर इंटीरियर वर्क और बड़ा ही यूनिक सा वर्क आपको इस घर में तो बेशक मिलने वाला है, ठीक है। सो ये वॉल है, ये कबर्ड है आपके रूफ तक, एंड रूफ पे वर्क भी देखिए क्या बात है, कितने प्यारे प्यारे यहाँ पर डिजाइनिंग दी गई है, बिल्कुल डिफरेंट। ये चीजें जो है ना इनमें टाइम बड़ा लगता है दोस्तों, जब ये बनती है ना डिजाइनिंग में टाइम लगता है, हार्डवर्क लगता है, तो ये चीजें ऐसी नहीं बन जाती, तो आपको ये घर में मिल रही है। एलईडी पैनल है देखिए कितना सुंदर, ठीक है। ये देखिए यहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हैं अपने बैकयार्ड के लिए। अटैच वॉशरूम इस साइड है आपके लिए, अगेन बहुत अच्छी स्पेस आपको, जैसे हमने नीचे देखी थी ग्राउंड लेवल पे वैसी ही स्पेस आपको वॉशरूम में मिलेगी, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये आपकी ममती स्पेस है यहाँ पर, यहाँ पे एक्सेस डोर है आपके टेरेस के लिए, एंड यहाँ पर आ जाता है आपका टेरेस जो कि अगेन बड़ा ही यार खुला डुला टेरेस है देखिए। सो गाइस कैसा लगा ये घर, एक 165 स्क्वायर यार्ड का 4 BHK ममती टेरेस के साथ है, बड़ा खूबसूरत सा इंटीरियर इस घर में आपको मिल रहा है, वुडन का वर्क बहुत सुंदर इस घर में। और सबसे अच्छी देखने वाली चीज़ है 165 स्क्वायर यार्ड में जो स्पेस आपको मिल रही है वो तो कंपेरेबल ही नहीं है किसी चीज़ से, बिकॉज पार्किंग के लिए 2 कार्स आपको आप इजीली यहाँ पे लगा सकते हैं, आपको 2 कार्स के लिए पार्किंग मिलती है घर में, इतनी स्पेस है, ठीक है। 4 बेडरूम मिल रहे हैं बड़े स्पेशियसली, मॉड्यूलर किचन्स मिल रही हैं, 2 किचन्स आपको मिल रहे हैं जो कि बहुत अच्छी फुल्ली मॉड्यूलर है, एक तो ऊपर से स्पेस भी बड़ी अच्छी आपको मिलती है, पूजा रूम मिल रहा है, स्टोर रूम आपको मिल रहा है इस घर में। और एंड गाइस प्रॉपर्टी का प्राइस 1 CR
30 लाख है, तो नेगोशिएबल प्राइस रहेगा। इतनी अच्छी स्पेस में आपको 4 BHK स्टोर रूम, पूजा रूम मिल रहा है, पार्किंग के लिए स्पेस मिल रहा है, रेजिडेंशियल एरिया मिल रहा है, एयरपोर्ट रोड से कनेक्टिविटी मिल रही है। सो हर चीज आपके आपके अपने एरिया में मिल रही है सिर्फ 1 CR प्लस 30 लाख के प्राइस में। सो घर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप बताइए, और डिटेलिंग के लिए बाबा जी होम्स के साथ कॉन्टेक्ट कीजिए दोस्तों। एंड अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगी, अब अपना ख्याल रखिएगा एंड कॉन्टेक्ट कीजिए जल्दी जल्दी। सी यू सून गाइस, बाय बाय।